हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने इन दिनों में जो वहां गुजरे हैं, जितने भी कूफी आए हुए थे ना, अक्सर बेशतर तो कूफे के लोग थे, उनसे कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था कि आओ? ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे पैगाम नहीं भेजा था कि यहां तशरीफ लाइए? और देखो मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद है। वो एक थैला जिसमें के खतूत है वो भी ला के मैदान में रख दिया। 20 जो है खानदान बनी हाशिम में से शहीद हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत ही इन्फेंट छोटा बच्चा वो भी शहीद हुआ, बाकी सब मर्द, तमाम मर्द, सिवाय एक हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन कहलाए बाद में, वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बच गए। सिर्फ ये है 10 मुहर्रमुल हराम और सन 61 हजरी में हुजूर के नवासे, और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत हुसैन शहीद कर दिए गए। कूफा चूंकि हजरत अली रजी हजरत हुसैन के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से, चूंकि कूफे को हजरत अली ने दारुल खिलाफा बना लिया था और वहां समझा जाता था कि हजरत अली के हमदर्द और हजरत शियान अली जिन्हें हम कहें उनके साथ ही हम ख्याल ये लोग हैं कसरत के साथ, और वहां से अब खतूत का तांता शुरू हो गया। आप यहां आइए, हम बेताब हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे, ताकि ये जो कैसर और किसरा की सुन्नत शुरू हो रही है इसको रोका जा सके। वो तांता बना हुआ है खतूत का, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फैसला कर लिया कि मैं कूफे जाऊंगा। हजरत जुबैर रोकते रह गए कि नहीं, कूफियों पर एतमाद ना कीजिए, ये जबानी कलामी साथ देते हैं, जब डंडा चलता है तो फिर ये हट जाते हैं मैदान से। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने बामरूवत इंसान, शरीफ नफ्स इंसान, कैसे मुमकिन था, गैरतमंद गयूर इंसान, वो कैसे उनकी बात को रद्द कर देता। लिहाजा अच्छा चलो चलते हैं कूफे की तरफ। आगे बढ़ते चले गए, करबला में पहुंच गए, जो कुछ वहां हुआ है फिर आपको मालूम है। उसमें यह बात है, पहले 1000 का लश्कर भेजा था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, उस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने जो बातें कही वो कुछ असरअंदाज हो गई। उनका अफसर जो था हुर बिन यजीद तमीमी, वो बाद में हजरत हुसैन का हामी हो गया और हजरत हुसैन के साथ ही उसको भी शहादत नसीब हुई। फिर दूसरे को भेजा अम्र इब्ने साद, अम्र इब्ने साद भी एक बड़ी अजीम शख्सियत के बारे का बेटा था। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जो फातेह ईरान थे और जिनको गज़वे उहद के मौके पर हुजूर ने फरमाया था कि ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, जबकि उहद में घेराव कर लिया था हुजूर का और कुफार कत्ल करने के लिए हुजूम कर रहे थे और कुछ हजरात तीर चला चला के उन्हें फेंक रहे थे, दूर जो है हटा रहे थे, उनमें से हजरत साद इब्ने अबी वक्कास भी थे। फिर वो फातेह ईरान थे, इसीलिए गवर्नर बन गए थे ईरान के। साद जो है उनका बेटे ये अब्र जो है ये अब एक बड़े सूबे का गवर्नर भी था, इस वक्त 4000 आदमी देकर भेजा। वो भी नरमी करता रहा, उसने कोई तशद्दुद नहीं किया, उसके अंदर बहरहाल अपने अजीम बाप के खून का कुछ असर था। लेकिन ये कि फिर इब्ने ज़ियाद को इत्तला मिल गई कि अम्र इब्ने साद जो है वो तो लह तो लाल कर रहा है, हमला नहीं कर रहा, कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि ये कि वो तो इस रास्ता भी देने के लिए तैयार है कि ना मदीने की तरफ जाइए और ना आप मक्के की तरफ जाइए, ना कूफे की तरफ जाइए, बल्कि आप चाहे तो दमिश्क चले जाएं, यजीद से अपना मामला कर लें। इस पर इब्ने ज़ियाद ने फिर वहां से खत लिखा है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था, मैंने तुम्हारा तुम्हें हुक्म दिया था, हुसैन से मेरी बैत लो, यानी मेरी बैत के जरिए यजीद की बैत लो और उसे पकड़कर लाकर मेरे सामने पेश करो। लिहाजा फिर उसने एक बहुत खूंखार शख्स को ज्यादा फौज देकर भेजा है, और वो जो है उसने आकर जो है शिमर ने फिर उसने फैसला कुल मामला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने इन दिनों में जो वहां गुजरे हैं, जितने भी कूफी आए हुए थे ना, अक्सर बेशतर तो कूफे के लोग थे, उनसे कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था कि आओ? ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे पैगाम नहीं भेजा था कि यहां तशरीफ लाइए?
और देखो मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद है। वो एक थैला जिसमें के खतूत है वो मिला के मैदान में रख दिया। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शराफत और अपनी साफ दिली, कोई उसके अंदर अय्यारी नहीं थी उनके अंदर, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। लेकिन यह कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। नतीजा क्या निकला? अब उन्हें पता चल गया कूफियों को, अगर अब हुसैन जिंदा दमिश्क पहुंच गए यजीद के पास तो ये हम सब का भाड़ा फोड़ देंगे, हमारी शामत आ जाएगी। लिहाजा अब तो किसी सूरत इन्हें जिंदा नहीं रहने देना। एक बड़ा अहम वाक्य नोट कर लीजिए इसको, इसलिए कि हजरत हुसैन ने एक एक का नाम लेकर, ए फला इब्ने फला, ए फला इब्ने फला, ए फला इब्ने फला, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? क्या तुम्हारा पैगाम नहीं था? अब उन्होंने देखा कि यह भांडा अगर यजीद के यहां जाकर फोड़ दिया गया तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। यही वजह है हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद, ये नोट कर लीजिए, 72 आदमी थे कुल, जिसको कह ले लश्कर हजरत हुसैन का रज़ी अल्लाह तआला, उनमें से 20 खानदान बनी हाशिम के चश्मो चिराग थे। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े, एक एक ने लड़कर जान दी है, बहुत सो को मारा है। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना वयुक्तलून, कत्ल कर भी रहे थे, कत्ल हो भी रहे थे, एक एक करके कत्ल हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। 20 जो है खानदान बनी हाशिम में से शहीद हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत ही इन्फेंट छोटा बच्चा वो भी शहीद हुआ है। बाकी सब मर्द, तमाम मर्द सिवाय एक हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन कहलाए बाद में, वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बच गए सिर्फ। अच्छा, हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये है 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी। क्या मतलब है? हुजूर के इंतकाल के ठीक 50 बरस बाद सन 11 हिजरी में हुजूर का इंतकाल, और सन 61 हिजरी में हुजूर के नवासे और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत हुसैन शहीद कर दिए गए। और उसके बाद उस लश्कर ने खेमों को आग लगा दी। यहां नुकता समझ लीजिए, आग क्यों लगाई? उन्हें मालूम था हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है वहां पर, वो हमारे खतूत के थैले वहां मौजूद है, अगर वो बाकी रह गए तो हमारी शामत आ जाएगी, हमें कौन बचाएगा? ताकि वो रिकॉर्ड जो है उनका वो तल्फ हो जाए, सारे खतूत जो है वो जल जाए, ताकि उनके खिलाफ सबूत बाकी ना रहे। ये अजीम सानेहा करबला है